हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और अभी मैं आया हूँ कॉलेज से, और आज मेरा पेपर ख़त्म हो चुका है। मेरा एग्ज़ाम्स चालू थे इसलिए मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, तो अभी आज ख़त्म हुआ। मेरा तबीयत भी ख़राब है, फीवर और सर्दी खांसी भी हो गया है। मेरे को सर्दी होती तो फट से जाती भी नहीं है, तो इससे डर भी लगता है। और रोमियो क्या कर रहा रहेगा आपको पता ही रहेगा, खाना दिए रहेंगे और वो नहीं खा रहा रहेगा। और मम्मी इधर बैठी हुई है, वो देखो रोमियो, और इधर देखो खाना रखा हुआ है। तो आज मम्मी ने क्या क्या का आलू आलू का था, मेथी का। मेथी का तो मम्मी ने मेथी का पराठा बनाई है, और मम्मी ने बोला था शेजवान चटनी ला, उसके साथ खाने में मज़ा आता है ना। तो मैं भूल गया, कुछ भी नहीं लाया, 2-3 चीज़ें सामान बोली थी, सिर्फ मेथी का पराठा ही खा लेते हैं, अचार के साथ खाते हो। ये इससे बनाते हैं ना मेथी का पराठा। ये रहा, लाइट ही नहीं है इधर बिल्कुल, कैसा दिख रहा है, पूरा अंधेरा है किचन। ये देखो गाइस, इधर लाइट है। गाजर भी आ और मम्मी इधर खाने का भी तैयार की है, पालक बैंगन है, मुझे पसंद नहीं है। और ये मिक्स भाजी बना रही हो क्या? बाप रे, रोमियो कैसा है, सब बढ़िया है ना जिंदगी में तेरे? ओए इधर देख, सब तो बढ़िया चल रहा है ना, चेंज कर लेता हूँ, रुक। तो अभी मैं जरा आया डॉक्टर के पास से, तबीयत खराब थी ना, तो उन्होंने ये वाला दवाई दिया थी ना, जो कभी काम नहीं करेगी पता है, क्योंकि मेरे बुखार में काम नहीं करती है। क्या बना रहे हो इतना आवाज है? रोमियो इधर है गाइस, इधर क्या कर रहा है, ये सब गंदी बात होती है ना रोमियो। अचार भी दो, सिर्फ पराठा दिया मम्मी ने। ये कैसा अचार है? मिक्स आम का, आम मिक्स है। बस बस। तो अभी गैस, अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी मैं अपना लंच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सो गया था ना, क्योंकि तबीयत खराब थी। तो अभी उठा और डायरेक्ट लंच कर रहा हूँ। तो आज के लंच में ये साग, वो साग, दो किस्म के साग है, इसमें मिक्स भाजी भी है और ये दाल है। और रोमी उधर बैठा है, क्या इसके दुख में क्या पता। मैं फिलहाल पूजा कर रहा हूँ, मम्मी इधर पूछा लगाइए। ये लड़की क्या मालूम कौन है, इससे बातें कर रही है उसका मम्मी, मुंह दिख ही नहीं रहा है। अरे कितनी दूर है हमारे आँख से भी, उसका मुंह देखो अच्छे से दिख रहा है क्या? हमारे आँख से भी दिख रहा है, उसकी दादी बरोबर दिख रही है। और रोमियो देखो इधर है, हाँ जला रहा हूँ, पूजा तो हो गया, शंख जलाने की ताकत नहीं, गला बैठा है। तो अभी देखो रोमियो को हम लोग ने पपीता और पेरू दिया है खाने को, मम्मी भी इधर खा रही है। और क्या मालूम कौन लड़की है हमारे फ्लोर में बैठी रहती है, मेरे घर का कुर्सी लेके। ए कौन है बे तू, कौन है, परेशान करने आ जाते, क्या मालूम कौन है, किधर से आती है रे, हर 2 दिन बाद आ जाती है, गायब तो रहती है आधे दिन। आईचैन है, आईचैन, आईचैन ही नाम था ना उसका, जो गायब होकर आ जाती थी। तेरा नोबिता ब्लॉग में भी आएगा, तेरा नोबिता, तो ये अपने नोबिता के लिए तरफ रही है, हमारे घर के सामने वो करण है ना, मेरा सब्सक्राइबर वाला, वो वाला नहीं। बोलते ही वो मेरा नोबिता है निब्बी, ये ब्लॉग में नहीं चोर। अरे यार ये देखो गाइस, ये रिमोट चुरा रहा है कैसे, ये रिमोट कभी भी चोरी करता रहता है, अभी तो खाना देते हैं। कोई नहीं है वो मेरा, ए नोबिता है तेरा, नोबिता। मम्मी क्या कर रहे हो फिर से? अच्छा हाँ, रोमियो ने उधर गंदा कर दिया बेचारी की मम्मी का पैर में दर्द है, ये रोमियो का खाना तो खाएगा नहीं। कौन बुला रहा है रोमियो को, निब्बी बुला रही है 6 साल। ए ले रोमियो खा ले, ऐसे तो देख रहा है जैसे पूरा खा लेगा एक ही बारी में। कुछ क्या हुआ, ओ हाँ गाइस, हम लोग ने नूडल्स मंगाया है खाने का पहले का। तो मम्मी ना दवाई पीती है, पीती है, खाती है, पानी पीती है।
स्पॉन्सर हो गया, लेकिन किस चीज का दवाई बताऊंगा भी नहीं। अंशु मेरा आंधा होने वाला हो। क्यों? देख मेरा आग, देख मैं नहीं देख पा दिखाओ ये देख। कुछ तो दिख ही नहीं रहा। अरे देख ये देख पूरा लाल हो गया। हाँ, बेचारी कल सोई नहीं जो मैं सोऊं, इसलिए ये क्या करूं मैं। खाओ अब पानी तो दे, हाथ गंदा है, पोछा हाथ में। ए भगवान, अरे हम लोग कुछ नहीं खा रहे, दवाई खा रहे। हम लोग नहीं, आप खा रहे हो दवाई। तो देखता कैसे, देख लस्सी के गिलास में पानी पी लो। अरे थोड़ा सा ही चाहिए। कपड़े भी डाल ले, चादर काम है। ऐसे देख रहा था जैसे खाना खा लेगा, उधर मत बैठा हुआ है। साले किससे ले लूंगा तेरे को। अरे ये देखो, ये देखो गाइस, ये देखो इसको साइकिल चला रही है मम्मी। ये फिर से साइकिल चला रही है और इधर गंदा कर रही है। मम्मी साइकिल चला रही है। ये साइकिल क्यों चला रही है? मेरे को भी राउंड चाहिए अगर साइकिल चलाना है तो। और इधर तक क्या? ओए इधर तक ही आना, उधर तक, उधर तक ही। हाँ बस बस बस। मेरा रुक, मम्मी मम्मी ये देखो ना, बोल रहा हूँ तो भी साइकिल चला रही है। इतना दुख रहा है, आँख में नहीं देख पा रही। खा के सो जाओ, नींद आएगा इतना जल्दी? जिंदगी में कभी कभार कुछ करना पड़ता है। थोड़ा गिर गई थी। हाँ इधर आ जरा। गिर गई थी? हाँ। गिर गई थी, गिर गई थी। हाँ। ए गिर गई थी, छह साल गिर गई थी उस दिन। गिर के उस दिन गिर के उधर आधे घंटे तक बैठी हुई थी। किधर बैठी थी? उधर किसके पास? अरे उधर पड़ी हुई थी। कुछ बोलिए। मैं बोलना चाह रही हूँ, आपका तबीयत खराब है तो आप गरम गरम सूप। इतनी इज्जत हजम नहीं हो गई है। आप सूप पी के थोड़ा अपना तबीयत ठीक कीजिए और दवाई खाइए। ये अभी भी इधर मूवी देख रही है। कोई काम धंधा नहीं रहता है क्या? जंकुक की फैन बोले यही तो मेरा काम है। लोगों के घर में। अरे बोल रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ। क्या तू भी पागल है? जवाब नहीं देना आता है, सिखा के दे रहा हूँ पागल। अपना बेटा का मेरा सूप कैसा हो जाएगा उसका? आप ठीक है? तो अभी हम लोग देखो नूडल्स खा रहे हैं। मैंने इसको बस चटनी से ऐसे मजाक में डिजाइन बनाया। मम्मी किधर कांदा लेने चले गए? रोमियो रोमियो आया, क्या कर रहा है तू उधर किचन में? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है किचन में? तो अभी फिलहाल मम्मी दूध गर्म कर रही है क्योंकि ये वाला दूध तो फट चुका है बेचारी मम्मी। तो देखो मम्मी अभी चावल खा रही है इस टाइम पे। थोड़ा सा ही खा रही है बेटा, क्या हो गया? भूख लग। साग भी खा रही है। देख इतना लाइट कम है ना गाइस किचन में। ये उधर लाइट लगा हुआ है, निकली स्टैंड के वजह से पूरा रुक जाता है। और मैं कल रात को सो गया था तो ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाया। तो फिलहाल इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल। और ये ब्लॉग थोड़ा छोटा था क्योंकि कल तो मैं सारा दिन सो ही रहा था, अब आज थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है। तो आप आगे के ब्लॉग में देख लेना तो क्या बोला था मैंने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।